जबकि स्प्लेंडर की जो सीट है वो मुझे पतली ज़्यादा लगती है। इंडिया में एंट्री लेवल बाइक की अगर बात की जाए तो एंट्री हो जाती है होंडा साइन 100 से, क्योंकि ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ में आती है। इंडिया में ग्राहक 100cc की सेगमेंट की बाइक लेता है तो उसका मोटिव रहता है कि भाई उसको माइलेज अच्छी मिले, उसका मेंटेनेंस कम हो और बाइक सस्ती भी आए। तो अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होंडा साइन 100। यदि आप भी इस सेगमेंट पे एक बेस्ट बाइक लेना चाहते हो तब तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। अभी अपने साथ में ब्लैक कलर की है जिसमें रेड कलर के ग्राफिक्स लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। इस बाइक का कर्व वेट है 99 किलो। इसमें सीट हाइट मिलती है लगभग 790 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 167 mm का। इसकी लंबाई है 1955 mm की, चौड़ाई है 754 mm की, ऊंचाई है 1050 mm की। इसमें व्हील बेस मिलता है 1245 mm का। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। फ्रंट से ये मोटरसाइकिल कुछ इस तरीके की दिखती है। पास से दिखाता हूँ। इसके हेड हैंडल वॉल्यूम का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, हेड कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में दिया गया है। होंडा की यहाँ पर ब्रांडिंग है। हेडलाइट की अगर बात की जाए हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया है। और आइए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं दिखाता है। इसका बल्ब फोनिक्स कंपनी का है और 35x35 वॉट का इसमें लगाकर कंपनी ने दिया है। साइड टर्न इंडिकेटर थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ये देखिएगा, और हैलोजन बल्ब के ही साथ में है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन को जिस तरीके का है, मडगार्ड पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इस मोटरसाइकिल में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न को जिस तरीके का है ये देखिएगा। बात कर लेते हैं इसके टायर की। इसमें MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूब टायर दिया गया है। इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है, ये देखिएगा, नलकी इसमें बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। और फ्रंट की प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 2.7517। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में 130 mm का 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है और स्पीडोमीटर का कनेक्शन जो है वो फ्रंट व्हील से ही मिलता है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिया गया है। होंडा का स्टिकर मिल जाता है, कुछ इस तरीके के कनेक्टेड स्टिकर मिलते हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। E20 का सपोर्ट दिया गया है, ये क्रोम में मिलता है इसका कैप। इसमें 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक, हैंडल, ORVM के बैटन को दिखाता हूँ। आइए सभी फीचर बटन देख लेते हैं। इसमें कोई भी पासिंग स्विच नहीं दिया गया है। लो बीम, हाई बीम स्विच लेफ्ट हैंडल पर, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड सेल्फ का ही बटन दिया गया है। चाबी की अगर बात की जाए तो ये देखो भाई, नॉर्मल चाबी दी गई है। इग्निशन को इधर ही प्लेस किया गया है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, इसमें फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, राइट साइड में फ्यूल गेज मिलता है, कितना पेट्रोल है इसमें वो देख सकते हैं। इधर ये न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, यदि कोई भी बाइक में प्रॉब्लम आएगी तो ये इंडिकेटर जो है जलने लगेगा। ये साइड टर्न इंडिकेटर और हाई बीम इंडिकेटर इधर लगाकर दिया है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझिए, इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने 98.98cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4-स्ट्रोक 2-वाल्व होंडा कंपनी का कम्यूटर सेगमेंट में काफ़ी बेहतर इंजन लगाकर दिया है। इधर ये क्रैश गार्ड भी लग जाएगा, अभी नहीं लगा हुआ है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.28 BHP की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर दे देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊँगा। इस मोटरसाइकिल में टोटल 4 गियर मिलते हैं, पैटर्न है, सभी पीछे की तरफ लगते हैं। राइडर फुटपैड फोल्डेबल नहीं मिलता है, फिक्स है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन का टॉप फीचर दिया गया है। सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है। सिंगल हॉर्न दिया गया है इसमें। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा, साइन को मेंशन किया है। कुछ इस तरीके के कनेक्टेड इसमें ग्राफिक्स मिलते हैं।
इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। सिंगल सीट इसमें ऑफर की गई है, लंबाई चौड़ाई इसकी काफ़ी ठीक है, जबकि स्प्लेंडर की जो सीट है वो मुझे पतली ज़्यादा लगती है, ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, रियर में कंपनी ने हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा कर दिए हैं भाई, एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है, ये देखो फिक्स है। सीट काउल पर ग्राफिक्स को जिस तरीके के मिलते हैं, पिलियन फुट पैड, चैन सेट कवर मिलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और ये फाइबर में है। काफ़ी सारी इधर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यदि चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से आप पढ़ सकते हो। ये देखिएगा साड़ी गार्ड दिया है, लेडी फुट पैड लगा कर दिया है। बात करते हैं पीछे वाले टायर की, पीछे भी कंपनी ने MRF कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूब वाला टायर दिया है, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता भाई इसमें। ये देखो रियर में भी बोल्ड मिलता है इसकी नलकी में। रियर टायर की प्रोफाइल है 3.0017 और भाई पीछे वाले टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं और आगे वाले टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं। रियर से प्रोफाइल इस बाइक की कुछ इस तरीके की है, टेल लाइट हैलोजन बल्ब में, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में, और इसमें कोई भी नंबर प्लेट लाइट डेडिकेटेड नहीं दी गई है, टेल लाइट ही नंबर प्लेट लाइट का भी काम कर देती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया इसमें CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे ही पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला लगता है। साइलेंसर का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिया गया है। इधर ये सिंगल मफलर है मेटल में, क्लीन फुट पैड, ESP को मेंशन किया है, इन्हेंस्ड स्मार्ट पावर साइन की ब्रांडिंग है। इस बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। इधर ये स्मार्ट डीक्रोम का यूज़ किया गया है जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहा है। भाई इसका डिटेल वॉकराउंड कर लिया, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। इसका लो बीम हाई बीम देख लेते हैं, ये देखो। नाइट में टेस्टिंग इसकी अलग करेंगे, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए, थ्रॉटल देता हूँ, होंडा का इंजन नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट और काफ़ी लंबे समय तक साथ निभाता है। कैसा लगा इंजन साउंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 3 साल तक की स्टैंडर्ड वारंटी और 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो भाई, 10 साल तक भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक को इस सेगमेंट में किंग बोला जा सकता है, क्योंकि इससे 80 से 100 तक का माइलेज निकाला गया है अलग अलग कस्टमर ने। यदि आपने निकाला है, आपका कितना निकला है इससे माइलेज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके कोई भी कॉन्टैक्ट में हो जिनके पास में ये बाइक हो, आपको पता लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं सर्विस की, कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 3 सर्विस फ्री देती है। बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की, इस मोटरसाइकिल में एक ही वेरिएंट आता है स्टैंडर्ड, और इसमें आपको कलर और भी मिल जाएंगे जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कीमत की अगर बात की जाए, इसकी एक्सोरूम स्टार्टिंग हो जाती है 63,000 रुपये से, 63,000 से ऑन रोड आते आते ये बाइक मिल जाएगी लगभग 70,000 से 75,000 के बीच में। ये डिपेंड करता है सिटी कौन सी है और आप किस डीलरशिप से ले रहे हैं, ठीक है, और स्टेट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्राइस होती है, प्लस माइनस आप 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। भाई ये बाइक जो है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लाइट वेट बाइक है, यानी कि सबसे हल्की बाइक है। माइलेज इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि ये बाइक जो है सबसे ज़्यादा निकाल कर देगी। इसका प्लस पॉइंट इसका कम वेट ही हो जाता है माइलेज के मामले में, ठीक है, और सस्ती भी आती है। कौन की अगर बात की जाए तो भाई इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि इसमें ट्यूबलेस टायर होते, बाकी की चीज़ें तो सब इसमें परफेक्ट हैं। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी पैकेज दे रही है उसके अकॉर्डिंग ये बाइक जो है मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़
जी हाँ भाई, इम्पॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।